मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस क्लासिक फिल्म के बारे में जिसका नाम है पड़ोसन। क्या होगा अगर 60 के दशक में बनी इस फिल्म का रीमेक आज के जमाने में बनेगा? कौन होंगे वो कलाकार जो इस फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आएंगे? इन सभी बातों और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साल 1968 में रिलीज हुई इस म्यूजिकल कॉमेडी को डायरेक्ट किया था ज्योति स्वरूप ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया था महमूद और एनसी सिप्पी ने। फिल्म की कहानी लिखी थी राजेंद्र किशन ने। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म ने लगभग उस समय बॉक्स ऑफिस में 3 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म के सभी गाने ब्लॉकबस्टर साबित हुए थे, जिसे कंपोज किया था आरडी बर्मन ने। फिल्म का गाना मेरे सामने वाली खिड़की में और एक चतुर नार बड़ी होशियार आज भी काफी पॉपुलर है। पड़ोसन में मुख्य किरदारों में नजर आए थे सुनील दत्त भोला के किरदार में, सायरा बानू बिंदु के किरदार में, महमूद मास्टर पिल्ले के किरदार में, किशोर कुमार विद्यापति के किरदार में और ओम प्रकाश प्रताप सिंह के किरदार में। इन सभी एक्टर्स ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से इस फिल्म का स्तर काफी ऊंचा उठाया है। स्पेशली फिल्म में महमूद और किशोर कुमार की एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आई थी। ये फिल्म देखकर ऑडियंस हंसी के मारे काफी लोटपोट हो गई थी। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक, एक्टिंग और कॉमेडी टाइमिंग ने इस फिल्म को एक क्लासिक बना दिया। दोस्तों अब हम जानते हैं फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म की कहानी है भोला की, जो सच में बहुत भोला है और अपनी बेहद खूबसूरत पड़ोसन बिंदु से प्यार करता है, पर इसका इजहार वो कर नहीं पाता क्योंकि बिंदु उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वही बिंदु के सिंगिंग टीचर मास्टर पिल्ले बिंदु को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, क्योंकि मास्टर पिल्ले भी बिंदु से प्यार करते हैं। बिंदु को इम्प्रेस करने के लिए वो गाने को सीखना चाहता है, जिसमें उसकी मदद करते हैं विद्यापति, जो खुद एक प्लेबैक सिंगर है और स्टेज एक्टर है, पर कौवा कभी गा नहीं सकता। तब बोला के गुरु विद्यापति को एक प्लान सूझता है और अपनी पड़ोसन बिंदु को इम्प्रेस करने के लिए बोला गाना तो गाता है पर आवाज विद्यापति का होता है, जिससे बिंदु काफी इम्प्रेस होती है और जिसके बाद मास्टर पिल्ले और बोला के बीच बिंदु को पाने का मुकाबला शुरू हो जाता है। आगे जाकर बिंदु को सच्चाई का पता चलता है और वो भोला से काफी नाराज होती है, जिसके बाद उसकी शादी किसी और से तय होती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में भोला और विद्यापति मिलकर भोला के सुसाइड का ड्रामा क्रिएट करते हैं, जहां पर भोला मरने की एक्टिंग करता है, जिसके बाद बिंदु को भोला के प्यार का एतबार होता है, जिसके बाद भोला अपने मरने की एक्टिंग खत्म करता है। अंत में दोनों की शादी होती है। इस शादी में रोते हुए मास्टर जी शहनाई बजाते हैं। तो ये थी फिल्म की कहानी। दोस्तों अब हम जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। मेरी प्यारी बिंदु शूट करने के दौरान इस फिल्म के कोरियोग्राफर वहां मौजूद नहीं थे, जिसके बाद किशोर कुमार ने इस गाने को काफी फनी तरीके से कोरियोग्राफ किया। विद्यापति का किरदार किशोर कुमार नहीं करना चाहते थे, पर फिल्म के प्रोड्यूसर महमूद इस किरदार में केवल किशोर कुमार को ही देखना चाहते थे। अंत में जाकर किशोर कुमार ने ये किरदार करने के लिए हामी भरी। सुनील दत्त और महमूद इस फिल्म के लीड कैरेक्टर होने के बावजूद फिल्म में ऑडियंस द्वारा सबसे ज्यादा वाहवाही किशोर कुमार के कैरेक्टर को मिली। ये फिल्म महमूद द्वारा प्रोड्यूस की हुई पहली फिल्म थी। सुनील दत्त का किरदार गुरुदत्त निभाने वाले थे, पर फिल्म के स्क्रिप्टिंग स्टेज पर गुरुदत्त की मौत हो गई, जिसके बाद ये किरदार सुनील दत्त निभाए। तो ये थी इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों हमारा ये मानना है अगर इस फिल्म की रीमेक आज के जमाने में बनेगी तो इस रीमेक में सुनील दत्त का किरदार निभा सकते हैं रणवीर सिंह, जो इस मैट किरदार के लिए परफेक्ट रहेंगे। वहीं खूबसूरत सायरा बानू का किरदार निभा सकती है कियारा आडवाणी। लेजेंडरी महमूद का किरदार निभा सकते हैं बॉलीवुड के चीची यानी गोविंदा, जो इस क्लासिक किरदार में अपना एक अलग फ्लेवर ला सकते हैं। किशोर कुमार का जबरदस्त किरदार निभा सकते हैं आयुष्मान खुराना, जो न केवल एक बेहतरीन एक्टर है बल्कि एक जबरदस्त सिंगर भी है, जो इस रोल की रिक्वायरमेंट है। और ओम प्रकाश का किरदार निभा सकते हैं बोमन ईरानी। फिल्म के अन्य किरदारों में कुछ नए पुराने चेहरे नजर आ सकते हैं। ये सभी एक्टर्स आज के जमाने में इन सभी किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाने की क्षमता रखते हैं। इनके पास वो कैपेबिलिटी है जो इन कैरेक्टर को रिक्रिएट करने में मदद करेगी।
साथ ही फिल्म की कहानी को आज के दौर से मेल खाने के लिए एक आधुनिक टच दिया जा सकता है। फिल्म के रीमेक में ओरिजिनल फिल्म के कुछ गाने की रीमिक्स को भी सुना जा सकता है, और अगर इस रीमेक को डेविड धवन डायरेक्ट करे तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस फिल्म की रीमेक हिट होगी या फ्लॉप, और आने वाले वीडियोस में आप किस फिल्म की रीमेक या सीक्वल देखना पसंद करेंगे? आपके विचार और सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इसके अलावा भी यू आर बॉलीवुड के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो यूट्यूब समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।